किसे ढूंढ रही हो तुम? फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स को? उन लोगों को तो एंथोनी कब का लेकर चला गया होगा। अब तक तो अंताक्षरी शुरू भी हो गई होगी। वो छोड़ो धनलक्ष्मी, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। तुम क्या पूछने वाले हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। अरे मैं वो नहीं पूछने वाला हूँ जो तुम सोच रही हो धनलक्ष्मी। जब हाई स्कूल में थी तब तो इतनी बुरी दिखती थी, लेकिन अब ये ग्लैमरस ब्यूटी कहाँ से बन गई? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी एंड ग्लो? एलईडी बल्ब निकल लिया है क्या? वो क्या चॉकलेट है खाने के लिए? क्या स्माइल है यार। व्हाट इज दिस यार? दिस इज अ रेस ट्रैक। Just wait and watch. Yeah. Actually, वहाँ से race start होगी. Mm-hmm. So the bikes goes up from here mm-hmm. and it has to be jumped through all these stages and then complete. इसे double jump कहते हैं. वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या तुम मुझे follow कर रहे हो? Follow? मैडम, मैं यहाँ रेस के लिए आया हूँ। रेस के लिए? मतलब पॉपकॉर्न बेचने के लिए? हेलो हेलो, इतनी भी बेइज्जती मत करो। उसका नाम चरण है। लास्ट ईयर ही वाज अ रनर अप। डेफिनेटली ये रेस वही जीतेगा। तुम भी उसी की फैन हो क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर सभी उसी की फैंस हैं। तुम भी उसे सपोर्ट करो ना। सॉरी मैडम, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, वैसे ही सबकी तरह ये मुन्ना नहीं है। भाई मेरा सपोर्ट तो प्रोडक्ट को है, एडवर्टाइज को नहीं। बस बस बहुत हुआ, चलो। रेसिंग अच्छी कर लेते हो पर ज्यादा खुश मत हो। ऐसे प्रैक्टिस करने वाले को मैंने बहुत देखा है, समझे ना बच्चे? अगर दम है तो कल रेस जीत के दिखा। बॉस, ताकत मेरा सरनेम है और चैलेंज मेरा ब्लड ग्रुप है, तो ये दोनों तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। ग्रिप अच्छी रहे इसलिए ये टायर डाला है। एंथोनी, BST की बस सीट और लड़कियों का हार्ट कभी भी खाली नहीं रहता। जरा वहाँ देख। ओके, I'll catch you later. ओके सर। विवेक को क्या बोलेगा अभी? उसी का फोन है, क्या बोलूँ उसे? अच्छा सोचता हूँ। हेलो एंथोनी, क्या अपडेट है यार? ए विवेक, क्या लकीस्ट पर्सन है यार तू? मैं लकी हूँ, मैंने सारी डिटेल्स निकाल ली है। धनलक्ष्मी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ए चुप रहना, पिक्चर रिलीज होने से पहले स्टोरी लीक हो गई तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इस कैश काउंटर को मैं देख लूंगा, तू जाके ब्लैक टिकट को संभाल जा। जा जाना, ये इसे पकड़। एंथोनी, तू मुझे गुड न्यूज देगा, मैं पहले से ही जानता था, इसीलिए मैंने तेरे अकाउंट में पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। वेरी गुड यार, यू डोंट वरी, व्हेन अमर अकबर एंथोनी इज हियर देन व्हाई यू फियर। थैंक यू एंथोनी, लव यू। भगवान ही बचाएगा। मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना, क्यों हर बार आके मुझे डिस्टर्ब करती हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई, सपोर्ट करने आई हूँ। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यू आर बैड लक फॉर मी। धनलक्ष्मी, क्या बात है? लक तो हमेशा तुम्हारे आस पास ही फिरता है, इंस्पिरेशन का केयर ऑफ एड्रेस हो तुम। ऐसे में तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तुम्हें बैड लक क्यों कह रहा है? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा भाई है। हाँ, तुम्हारा भाई है? तुम्हारे भाई में बहुत एटीट्यूड है यार, कोई भाई ऐसा होता है क्या? उसको ठीक कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वोडका मिक्स किया है, पी ले यार। नहीं चाहिए। हे मुन्ना, हाय। अरे यार एंथोनी, सुबह में इरिटेशन और अभी इनविटेशन। ये लड़कियाँ ऐसे ही होती है, डोसे के तवा जैसा, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, रवा डोसा, चेंज होता ही रहता है। देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, विवेक के प्यार के लिए अभी तू बिल्कुल कबूतर के जैसा है। चल शुरू हो जा। हे, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड, यू लुकिंग ग्रेट। ही इज ऑलवेज हैंडसम। तुम्हारे साथ ट्रेन में दूसरी तितलियाँ थी, वो कहाँ है? हाँ, वो वहाँ है। वहाँ? अच्छा। और क्या चल रहा है मुन्ना तुम्हारा? डिस्टेंस मेंटेन करके बात कर, मैं अभी आता हूँ। बाय बाय, थैंक यू। सो
सॉरी मुन्ना। सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हारे बारे में जानती नहीं थी इसलिए तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया। एक्चुअली यू आर जस्ट अमेजिंग एंड यू आर सच अ वंडरफुल राइडर। तुम्हारा हम्बलनेस, सिंपलिसिटी मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। हाँ, पर कुछ लोग होते हैं जो कि समझते हैं बस उन्हें ही राइडिंग आती है और अपनी एटीट्यूड में चूर रहते हैं। बट यू आर द बेस्ट मुन्ना। थैंक यू धनलक्ष्मी, तुमने अप्रिशिएट किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे देवी माता ने मुझे फूल के रूप में प्रसाद दे दिया। धनलक्ष्मी, तुम्हारे इस सम्मान से और इस एक्साइटमेंट से सिर्फ मेरा ये दिल ही नहीं, बहुत कुछ भर भर कर आ रहा है। उसे मैं जाकर जरा खाली करके आता हूँ, तुम प्लीज यहाँ पर रुकना। हाँ सर, कुछ लोग चरण कह रहे हैं और कुछ लोग मुन्ना कह रहे हैं, आपके हिसाब से विनर कौन होगा? आई एम द विनर चरण। मुन्ना, तेरा मेरा जो भी है वो रेस ट्रैक में दिखाना, अगर मेरी बहन का पीछा किया तो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं पीछे घूम रहा हूँ बॉस, तुम्हारी बहन पीछे घूम रही है। ये जो कुछ भी बताना है वो मुझे नहीं, तुम्हारी बहन को बता दो। तू ज्यादा ही बोल रहा है, मैं रेस में राइडर हूँ, फैमिली की बात आई ना तो पक्का फाइटर हूँ। बॉस, तू ट्रेंड फाइटर है तो मैं बॉर्न फाइटर हूँ। तूने मेरे अंदर के गब्बर सिंह को जगाया है तो अब मैं तेरी बहन के साथ क्लोज होने का डिसाइड कर ही लेता हूँ। अगर रोक सके तो रोक ले। ऑल द बेस्ट। अरे क्या कर रहे हो यार? छोड़ो। धनलक्ष्मी, और कितना पिएगी यार, बस कर। तूने अब पीना भी सीख लिया है? हेलो मिस्टर चरण, ऐसा लुक मेरे पास नहीं चलेगा। तुम्हारी जीत के लिए भगवान से मन्नत मांगी और तुमने मुझे बैड लक कहा। अरे तुम हो बैड लक। Hey, get lost. भाई कहता है खुद को, तुम और भाई। एक्सक्यूज मी, अभी आता हूँ, मेरे बैंक मैनेजर का फोन है। हेलो अंधोनी, क्या अपडेट है? Hey, विवेक, तेरा लव। ऐसा क्या? तुझे अपने दिल की बात बताऊं, तुम दोनों को एक ही मंडप में देखने की इच्छा हो रही है। मगर तू 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 ना फाइनेंस की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूँ ना एंथोनी, मुझे प्रोग्रेस चाहिए बस। मैं तेरे अकाउंट में 5 मिनट में और पैसे ट्रांसफर करता हूँ, रुक। वेरी गुड ट्रांसफर। विवेक, तू कितना महान प्रेमी है, ये बात मुझे आज समझ में आई है। ऑल द बेस्ट, अकाउंट में पैसे आ गए। बस कीजिए जी, लोग तो ऐसे ही हैं, मोबाइल फोन पर स्क्रैच ना हो इसलिए लोग स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं, मगर एक दूसरे का दिल दुखाने से पहले वो आगे पीछे देखते भी नहीं है। तुम जैसी बहन मिलने के लिए तुम्हारे भाई को बहुत पुण्य करना चाहिए था। थैंक यू। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ दो। अगर करंट चला जाए तो लोग कैंडल ढूंढने लगते हैं। देखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे प्यार के लिए कभी ना कभी तो तुम्हारे पास जरूर आएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ एक टेंपल रन गेम की तरह है, बस भागते ही रहो। अगर वो छोड़कर एंग्री बर्ड की तरह गुस्सा होकर ड्यूएल होकर बैठ जाओ तो कैंडी क्रश बन जाओगे। अरे इस मैडम को मेरी फिलॉसफी सुनकर नींद आने लग गई। दे रहा था और तूने ही कनेक्शन जोड़ लिया। एंथोनी, एक बार देख तो इसे, इसकी खुशी देखकर तो वो ताला भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और मैं तो आफ्टर ऑल एक आदमी हूँ यार, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ? इसे देखकर तो वो सब होगा भी नहीं। देखना,
देखा ना अब तू ही बता, मैं कबूतर बन जाऊं या फिर इसका प्रेमी बन जाऊं? यार लेकिन मैं विवेक को क्या बताऊंगा? तो ज्यादा सोच मत, क्या है कैंडी को हाथ से छीनना वो गलत होता है, लेकिन पेड़ में पके हुए आम को तोड़ना उसे तो कोई भी पत्थर मार के तोड़ सकता है। अब विवेक हाई स्कूल से ही पत्थर मार रहा, आम नहीं टूटा तो तेरी गलती थोड़ा है भाई। फिर भी ये दोस्ती में तो धोखा होगा। अरे जाने दे उसके बारे में मत सोच। सुन, बादाम और काजू जैसे ही हाथ पे मिले वो ऐसे ही उसे खा जाना चाहिए, उसे पीस कर खाने के लिए थोड़ा ही छोड़ना चाहिए। क्यों? अच्छा छोड़ ये सब बात। वो क्या है कि ठंड बहुत ज्यादा है, अब बॉर्डर मत क्रॉस कर जाना, ठीक है? होशियारी से है, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, तू जरा इस लड़की को संभाल, ठीक है? सुनो, सो मत जाना, होशियार रहना। हेलो। रात भर जब तुम सोई थी तो मैंने बैठकर तुम्हारी देखभाल की है, कम से कम एक थैंक्स तो बोलकर जाओ। मेरा अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ और यहाँ मैं तुम्हारे साथ क्लोज हो रही हूँ, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। यू आर रॉन्ग। जैसे कुछ भी हो जाए वो मेरा भाई है, उसके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। थैंक्स।